ओरियो चॉकलेट कपकेक बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे घर में बच्चों के लिए बना सकती हैं, बर्थडे पार्टी है या ऐसे ही बच्चों को आप बना के घर पे दे सकती हैं। बहुत आसानी से देखिए बन जाता है, बनाने भी से बहुत टाइम नहीं लगा है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। हेलो दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट कपकेक। उसके लिए देखिए हमने ये ओरियो बिस्किट लिए हैं, तो चार पैकेट हमने सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। इसकी जो क्रीम है, क्रीम हम चाकू से स्टैप करके प्लेट में अलग निकाल के रख देंगे। जितने भी बिस्किट है सबकी क्रीम हम पहले निकाल लेंगे। बिस्किट है इनको हम तोड़ ले रहे हैं, इसकी क्रीम निकाल के हमने अलग प्लेट में रख दी है। और इसको हम बहुत महीन सा इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। इसको हमने एकदम फाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है हमने बिस्किट का। काफ़ी महीन सा है ये देखिए। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, इस टाइप का बाउल ले लेंगे, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसको हम थोड़ा थोड़ा सा दूध लेंगे और अच्छे से इसका बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा दूध हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। कपकेक हम तैयार करेंगे तो इसमें हम हल्का हल्का घी से ग्रीस कर दे रहे हैं ताकि ये चिपके ना, आसानी से निकल आए। आप किसी कटोरी में भी बना सकती हैं इसे या कप में बना सकती हैं। सबको हम ग्रीस कर देंगे। वाली हमने डेयरी मिल्क की ये चॉकलेट ली है, इसका हम कट कर लेंगे इस तरह से और इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसको हम बीच में फिल करेंगे। ये देखिए तो इस तरह से हम निकाल लेंगे पहले सारी, तो अच्छे से बन गया है। तो इसमें हम आधा चम्मच के करीब इनो डाल रहे हैं, इससे काफ़ी फूला फूला बनेगा। थोड़ा सा हम दूध डालेंगे इसमें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए जो ये मिक्सर हमने बनाया है, इसको हम एक एक करके कटोरी में भर देंगे। तो आधा आधा करके हम भरेंगे पहले। ये देखिए इसमें जो हमने ये चॉकलेट ली है तोड़ करके बीच में हम चॉकलेट फिल करेंगे। उसके ऊपर हम फिर से एक स्पून बैटर डालेंगे। पूरा नहीं भरना ऊपर तक क्योंकि अभी ये फूलेगा। चार उस कप में हमने इसे फिल कर दिया। चलते हम इसे बेक करने की तरफ। टाइप की हमने कटोरी ली थी, कटोरी में हम ये कुछ कप हैं रख दिए हैं। देखिए चारों उस टाइप से तो हम इसे बेक करेंगे। कढ़ाई में बनाएंगे तो उसके लिए हमने ये कढ़ाई पहले से 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए चढ़ा दी। कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी है, ये बहुत हीट कर रही है। इसके अंदर हम एक गैस की जाली रखेंगे इस टाइप से। एक ये हम प्लेट रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं रखेंगे। और इस पर जो हमने ये केक बनाए हैं इनको रख देंगे। इसको हम ढक करके इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बेक करेंगे। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकती हैं। सारे केक अच्छे से पक चुके हैं, देखिए काफ़ी सॉफ्ट बने हुए हैं। तो इसको हम रख देंगे और ठंडा कर लेंगे पहले। ठंडे हो चुके हैं तो इनको हम निकाल के देखिए दिखा रहे हैं। देखिए बहुत आसानी से बहुत देखिए निकला है। ये देखिए इनको हम निकाल लेंगे पहले सारे। काफ़ी सॉफ्ट बने हुए हैं, देखिए हम इसको कट करके दिखा रहे हैं। देखिए काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है। हमने ये चॉकलेट भरी थी, देखिए
कॉफ़ी सॉफ्ट और कॉफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आप इसे इस टाइप से घर पे बना के बच्चों को सर्व कर सकती हैं। ये ओरियो चॉकलेट कपकेक बनके तैयार हो गए हैं, तो आप इसे घर में बच्चों के लिए बना सकती हैं, बर्थडे पार्टी है या ऐसे ही बच्चों को आप बना के घर पे दे सकती हैं। बहुत आसानी से देखिए बन जाता है, बनाने में इसे बहुत टाइम नहीं लगा है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।